भगवान तीर्थंकर की वाणी, जिन श्रुत है जिनागम है, जिनागम में वर्णित आत्मकल्याण पंथ आत्मकल्याण पथ है, जिनागम पंथ परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम ब्रह्म पंथ हैं, उन मार्ग परस्पर प्रेम प्रेत्री और स्नेह को बढ़ाने वाला जिनागम पंथ परस्पर ग्रहो जीवनम का प्रतीक सन्मार्ग है। यह आचार्य श्री विमर्शाकर जी महामुनिराज द्वारा पावन नगरी टीकमगढ़ में एक विशाल धर्म सभा को संबोधित करते हुए जैन धर्म की उत्तम शिक्षा पर बात कही गई। धर्म सभा को सम्यक बोध कराते हुए आचार्य श्री ने कहा कि जिनागम पंथ अनादि अनिदन मार्ग है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी को आगम कहते हैं, अर्थात जो आप्त जिनेन्द्र देव द्वारा कहा गया, गर्धर परमिष्ठी द्वारा संग्रहित किया गया और माँ अर्थात मुनिजनों के द्वारा भी मुखरित हुआ, ऐसे आगम को ही जिनागम कहते हैं। उस जिनागम में आत्मितकारी मार्ग वर्णित है, वही जिनासम पंथ है। काल दोष के कारण इस पंचम काल में अनेकानेक पंथ मार्ग पैदा हुए हैं, जिन्हें हमारे अनादि अनिदन जैन धर्म को अनेक भावों में विभाजित भी किया है। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन है जब ये विक्रयाट श्री शांतिनाथ भगवान की विक्रयाट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विक्रयाट श्री शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पुण्य आचार्य भगवत श्री पूज्यपाद स्वामी की परम पुण्य सूर्य अच्छाचार्य सद्योपयोगी संत लेखेश्वर विराम चंद्र जी महामुनिराज की जिनागम।